हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। तो आज वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। JKSSB ने आज जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में जो पोस्ट्स थे जिनका एग्ज़ाम 17 अगस्त और 25 अगस्त के दरमियान हुआ था, उसका आज रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इन्होंने जो जितने पोस्ट्स थे वो लिखा है, और 1202 पोस्ट्स जो हेल्थ और मेडिकल की थी वो सब इसमें लिखा है, तो ये हमारे काम का नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि परसेंटाइल बेस्ड हमने ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर किया है, इसके हिसाब से हमने ये रिज़ल्ट निकाला हुआ है। तो फर्दर उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी कैंडिडेट को ये अपने आप पे लग रहा है कि उसका स्कोर ठीक नहीं है, तो वो अपने रिप्रेजेंटेशन डाल सकता है। अगर कोई नहीं डालता तो ये फिर जो फर्दर जो लिस्ट्स हैं वो डिक्लेयर कर देंगे। और एक बात यहाँ पे इन्होंने कही है कि ये जो रिज़ल्ट है सभी कैंडिडेट्स का निकला है, एक्सेप्ट यहाँ पे दिया है एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर जो है आइटम नंबर 204 डिवीज़न ग्रेड कश्मीर के लिए, तो उसके लिए तो ये जो रिज़ल्ट है अभी नहीं निकला हुआ है, इन्हें एक्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आगे इन्होंने कहा कि जो ये सोशल वर्कर है उसका हम आइटम नंबर जो 204 उसका हम जो रिज़ल्ट है शल बी नोटिफाइड सेपरेटली, कह रहे हैं कि इसका हम सेपरेटली जो है रिज़ल्ट निकाल लेंगे। तो आगे ये लिखा उन्होंने कि रिप्रेजेंटेशन अगर किसी को है तो वो इस जीमेल पे कर दें, और उसके बाद अगर कोई मतलब रिप्रेजेंटेशन ना डालता हो तो ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो लिस्ट निकाल लेंगे। आगे जो है जो परसेंटाइल मेथड जो इन्होंने निकाला हुआ है, यहाँ पे परसेंटाइल आप देख सकते हैं 40 40 किसी का आया हुआ परसेंट, 75 25, तो जो ये है आप अपनी परसेंटाइल देख सकते हो क्या परसेंटाइल रैंक आपके आते हैं। इन्होंने ऊपर एक और चीज़ निकाली है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट जो है ये अल्फ़ाबेटिकली आया है, ना कि रैंक के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकली आया है। यह ए जो है आप देख रहे हैं, एक ए से जितने नाम आ रहे हैं तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ये निकला हुआ रिज़ल्ट है। तो ये कोई सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। सिलेक्शन लिस्ट अगर आपको देखनी हो तो आपको एक काम, ये अगर PDF फाइल आप एडिट कर सकते हो तो उसमें आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉर्टिंग कर सकते हो, जो आपकी लैब हो क्या हो उसमें आप देख लें, तो परसेंटाइल जितने भी आप के रैंक आते हैं उसके हिसाब से आप देखोगे बाकियों की क्या आती है, उस हिसाब से आप अपने आप को सेव देख सकते हो कि नहीं। तो अब ये जो है इसके लिए फर्दर ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट लिस्ट जो है उसके लिए निकल सकता है, या प्रोविजनल शॉर्ट लिस्ट निकाल लेंगे, तो होप कि बहुत जल्द निकाल लेंगे। तो इस पे तो अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन आएगा, कौन है कौन नहीं है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डाल के आप अपने रैंक चेक कर सकते हो, अदर्स को मिला के जो आपका पोस्ट हो उसको मिला के आप देख सकते हो आपकी रैंक क्या बनती है और अदर्स की क्या बनती है, और नंबर ऑफ़ पोस्ट्स कितने हैं, आपके जो सीरियल नंबर हैं आप किस सीरियल नंबर में पढ़ते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय।